हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैप्टर 2 फन विद नंबर्स। अभी आप ओपन करोगे पेज नंबर 24, तो देखो ऊपर क्या लिखा है। लेजी क्रेजी आल्सो हैज अ क्रेजी वे ऑफ टेकिंग मनी। ही टेक्स ओनली इन 100 नोट्स, 10 नोट्स एंड 1 कॉइन्स। नाउ फाइंड आउट हाउ दे विल पे हिम फॉर व्हाट दे हैव टेकन। तो वो बोल रहा है कि लेजी क्रेजी का एक अपना तरीका है पैसे लेने का। ओके, वो सिर्फ 100 के नोट्स में, 10 के नोट्स में और 1 रुपी के कॉइन में ही पैसे लेता है। तो अभी हम देखेंगे कि नीचे जो रुपीस लिखे हैं उनको हम कैसे पे करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 100 के नोट्स में, 10 के नोट्स में और 1 रुपी के कॉइन में ही पे करना है। सी, नंबर 1, एलिफेंट का पिक्चर है, उसके सामने रुपीज 420 ऐसा लिखा है। तो 420 में कितने हंड्रेड आएंगे? 400, तो मतलब 400 आएंगे। तो हम 400 के नोट्स स्टिक करेंगे। और 20 में कितने टेंस होते हैं? 2, तो हम 10 के 2 नोट्स स्टिक करेंगे। नेक्स्ट 143 लिखा है, तो 143 में कितने हंड्रेड होते हैं? 100, मतलब 100 हुआ तो 100 का नोट स्टिक करेंगे। या आप ड्रॉ भी कर सकती हो आपके पास नोट्स नहीं हो तो। और 43, तो 43 कैसे बनता है? 40 + 3, तो 40 में कितने टेंस आते हैं? 4, तो हम 10 के 4 नोट स्टिक करेंगे। और 3 के लिए हम 1 रुपी के 3 कॉइन स्टिक करेंगे, तो हो जाएगा 143। नेक्स्ट 242 ऐसा लिखा है, तो 242 में कितने हंड्रेड्स होते हैं? 200, मतलब 2 हंड्रेड्स हुए, तो हम 100 के 2 नोट्स देंगे। और 42, तो 40 + 2 होता है 42, तो 40 में कितने टेंस होते हैं? 4, तो हम 10 के 4 नोट्स देंगे। और 2 के लिए हम 1 रुपी वाले 2 कॉइन्स देंगे। ओके, तो हो जाएगा 242। नेक्स्ट 55 लिखा है, तो देखो 55 में तो अभी कोई हंड्रेड्स नहीं है, ये तो 2 डिजिट नंबर है, उसमें सिर्फ टेंस और वंस है। तो 55 कैसे बनता है? 50 + 5, 50 में कितने टेंस होते हैं? 5, तो हम 10 के 5 नोट दे देंगे। और रेस्ट 5 के लिए 1 रुपी वाले 5 कॉइन्स देंगे, तो हो जाएगा 55। ओके, देखो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से ड्रॉ कर लेना। ओके, अभी देखो उसी पेज पे हमें एक और क्वेश्चन पूछा था, तो अभी हम वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा है, आई कम बिटवीन 40 and 50 एंड देयर इज अ 5 इन माई नेम। तो बोल रहा है कि मैं 40 और 50 के बीच में आता हूँ, ऐसा नंबर हूँ, और मेरे नाम में, मतलब मेरे नंबर में 5 भी आता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है? हम राइट साइड जो नंबर्स लिखे हैं वहाँ पे देखेंगे ब्लू बॉक्स में, तो वो है 45, तो उसके साथ मैच किया हुआ है। नेक्स्ट, आई हैव 9 इन माई नेम एंड आई एम वेरी क्लोज टू 90। तो इसमें जो नंबर है उस नंबर में 9 आता है और वो 90 के बहुत क्लोज, यानी बहुत पास में वो नंबर आता है। तो 90 के पहले 89 आता है। ओके, तो 89 दिया है ब्लू बॉक्स में, तो हम उसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट, इफ यू हिट अ 4 आफ्टर मी यू स्कोर अ सेंचुरी। तो अभी इसमें वो बोल रहा है कि अगर आप मेरा अभी जितना स्कोर हुआ है उसके बाद 4 और स्कोर करोगे तो सेंचुरी हो जाएगा। ओके, तो सबसे ऊपर 96 है, उसमें 4 प्लस करेंगे तो सेंचुरी यानी 100 हो जाएगा, तो हम इसके साथ मैच करेंगे। ओके, नेक्स्ट, आई एम इक्वल टू 10 नोट्स ऑफ 10। मैं 10 के 10 नोट्स की इक्वल हूँ वो बोल रहा है। ओके, तो 10 के 10 नोट्स हो जाएंगे 100, तो हम उसको 100 के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट, आई एम सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी। तो एक सेंचुरी में 100 रन होते हैं, हाफ सेंचुरी में 50 रन होते हैं। 100 + 50 = 150, तो हम 150 के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट, आई एम एग्जैक्टली इन बिटवीन 77 एंड 97।
तो 77 और 97 के एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर आता है? 87। ओके, तो हम 87 के साथ मैच करेंगे।